हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हम हो गए तैयार, और जैसा कि आपने मेरी लाइव वीडियो अगर देखी होंगी तो हम हैं शिशु से आगे क्रॉस करके और जिस्पा से पहले। हैवी स्नोफॉल हो गया था नाइट में, तो हमने जो है यहीं पे एमरजेंसी में स्टे कर लिया था। तो ये हमने कोटेज जो है यहाँ पर ले ली थी। तो भाई ये हमारी कोटेज है यहाँ की शिशु की, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कैसा कैसा है। ये देखिए, ये कोटेज इन्होंने बनाई हुई है और स्नोफॉल तो आपको दिख ही रहा है सब तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है इस टाइप की कोटेज बनाई हुई है। ये वाली हमारी कोटेज है, बगल में ये एक और पंजाब की पार्टी है, ये उनकी थार है। इधर ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो ये देखो, इस टाइम पे ना बर्फ का पूरा शीशा बन गया है। और ये है ओवरऑल कैंपस एरिया, जो कैंपिंग साइट है इसका। ये देखो, शूज की लाइक आवाज़ आ रही होगी आपको, पूरा शीशा बन चुकी है बर्फ। और हमने अपनी थार से तो कुछ तो उतार दी थी, और ये इस पर अभी भी स्नो है। हमारी थार पे भी बची हुई है थोड़ी बहुत, थोड़ा पीछे है, थोड़ा छत पे है। और ये है सामने का व्यू, ये देखिए भाई। एक से ना इधर वाली साइड में देखो, उधर आ गई सनलाइट, और सनलाइट में तो क्या जबरदस्त लग रहा है ये वाला पहाड़। ये देखो, इसकी चोटी एकदम इतनी क्रिस्टल क्लियर है, स्नो की प्योरिटी उसमें अलग ही दिख रही है। तो देखिए भाई, ये ना बर्फ देखो पूरी जम गई है और हार्ड हो गई है। अब ये ना पूरा वो बन गया है लाइक शीशा। हालांकि हाथ जो है सुन नहीं करूँगा। ये देखिए, ये बन गया है सारा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शीशे के ऊपर ये दिख रहा है, ये वहाँ से पानी बह रहा होगा। पानी बहता बहता और वहीं पे रास्ते में जम के ये बन गया बर्फ। देखो शीशे बर्फ बन गई। और अब देखते हैं ये सब कैसे हो पाएगा। हाथ हो रहे हैं, सुन अभी नहीं कर रहा भाई, जब जाएंगे तब देखेंगे। ये हमने रूफ करियर लगवाया इस बार नया, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें स्नो ना भरे इसलिए हमने ऊपर उसको उतरपाल डाला हुआ है। जब निकलेंगे तब देखेंगे। और रूफ करियर पे लगेज रखने के लिए ये साइड में डोर हिंज भी हमने लगवाई है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है सामान रखने के लिए। और दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं। जो हमारा जो कैंप था वो था ये S&V हट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने स्टे किया था। तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव बंदे हैं। एंड इसके सामने ये देखिए पूरा ग्राउंड है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, एक बार थार लेके जाएंगे अपनी, तो उसको चला के देखेंगे उसमें स्नो में कैसा लाइक ऑफ रोड वाला मोड में कैसा रिस्पॉन्स रहता है। देखिए ये बाउंड्री है, इन्होंने बाउंड्री पे भी अच्छी अच्छी लाइट्स लगा रखी हैं। जब लाइट थी नाइट में तो अच्छी लग रही थी जलती हुई। वाह, सामने देखो कितना अच्छा प्लेग्राउंड, मतलब पूरा प्लेन प्लेन सा ग्राउंड लग रहा है, और साथ में ये नदी बह रही है। इंडियन ऑयल थैंक्स कह रहा है हमें, हमें नहीं सबको कह रहा है, आपको भी कह रहा है अगर आप आओगे यहाँ पे तो। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इधर कुछ क्रेशर का काम चल रहा है आई थिंक, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का ये देखने वाली कंपनी है। इधर रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक लाहौल का स्पीड लाहौल के लिए मैसेज है कि लीव एवरीथिंग एवरी प्लेस बेटर, जो है उसे और बेटर जियो, साफ सुथरा रखो मस्त। और BRO कहता है वी विल आइदर फाइंड ए वे और वी विल मेक वन मोस्ट ब्यूटीफुल। वाओ, ये देख रहे हो नज़ारा। आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि स्नो जो है वो पत्थर सा बना हुआ है। ये देखिए क्या स्विट्जरलैंड करेगा भाई, कितना मस्त नज़ारा है। ये साइड में नदी बह रही है, रोड है, अभी ट्रैफिक ज़्यादा चला नहीं है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ तो मैंने देखी हैं। और ये है यहाँ से इसका रिवर का व्यू, ये देखिए। और यहाँ से सामने वाला पहाड़ जो मैं दिखा रहा था काफ़ी बड़ा सा, इस पहाड़ के पीछे भी एक और पहाड़ी है जो कि बादलों के पीछे ढकी हुई है, अभी दिख नहीं रही है।
उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है। और सबसे ज़्यादा स्नो तो मुझे इन दो पहाड़ियों पर दिख रही है, एक तो ये वाली हाइट पे और एक जो ये वाली दिख रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, पहले ये दिखाता हूँ, देखो भाई मेरा फ़ोन मैक्सिमम जूम पे आईफोन से शूट कर रहा हूँ, और ये इसके पीछे पहाड़ी है। यहाँ पे एक स्नो की प्योरिटी दिख रही है बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा तो बाकी यहाँ पे ये वाला पहाड़ की आई थिंक बैक साइड पड़ रही है, स्नो का जो फ्लो था एयर का उसके अपोजिट रहा होगा तो उतनी ज़्यादा नहीं है, पर खड़ा पहाड़ है तो शायद रुक भी नहीं पाई होगी ज़्यादा। लेकिन ये सामने वाले पहाड़ी तो भाई पूरी। और दोस्तों आज पता है, आज है 9 मई 2023, 9 मई 2023 में जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी होगी दिल्ली एनसीआर में, तो बिकॉज मैं भी गाज़ियाबाद में रहता हूँ और दिल्ली एनसीआर में ही है अपनी लिविंग, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जनरली उस टाइम पे। और पहाड़ों पे इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठंड होगी हल्की फुल्की सी, तो इसलिए हम घूमने आते हैं भाई साहब। बर्फ को क्रश करता हुआ ये देखो कैसे बर्फ का शीशा बना हुआ ना, तो तोड़ते हुए जा रहा ट्रक। ऐसे व्हीकल्स ही होते हैं जो रास्ता बनाते हैं। ये देखिए एक और आ रहा है, ये बीआरओ का ट्रक था। और भाई चलो प्लेग्राउंड दिखाता हूँ, चलो ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे मैं अपनी थार लेके आने वाला हूँ। अभी शीशा बना हुआ है, लेके आएंगे इसमें, चलो थार लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ।